ये न केवल अपने देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया के समग्र का जो काम देख रहे हैं उनके देखरेख में इस कार्यक्रम को श्री गौरव गोयल जी के देखरेख में कार्यक्रम हुआ और करवाने वाले हमारे रिक्रिएशन डिपार्टमेंट के मेरे साथ एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी अमित कुमार अग्रवाल जी, उन्होंने एकदम उठाया किया और इतनी टीमें जो सारे देश भर से आई है जिसमें आईएम की तीन टीमें तो चार टीमें तो आईएम जिसमें आईएम बेंगलोर, शिलांग, कोझिकोड, उदयपुर और फिर दो और टीमें हैं आईएफटी, एसवी केएम एनएमआईएसएम। अब ये सब छह टीमें और अच्छे संस्थानों से आई है, उन्होंने अपने नए नए जो इनोवेटिव आइडियाज हैं या जो हरियाणा के बहुत से मॉडल्स को उन्होंने अध्ययन किया है उस गवर्नेंस चैलेंज को यहाँ प्रसन्न किया और कंपटीशन भी हुआ है। इस कंपटीशन में परिणाम देने वाले जिन्होंने जूरी के रूप में काम किया वो भी हमारे बहुत ही रेनाउंड एक प्रकार के इन सब विषयों के अंदर गवर्नेंस में काम करने वाले, चाहे हमारे डीसी गुप्ता हो जो हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं या फिर हिपा के हमारे महानिदेशक श्रीमती सुनील राजन जी हैं, तो उन्होंने इनमें से जो सिलेक्शन की होगी वास्तव में मुझे लगता है जैसे दो ही प्रेजेंटेशन मेरे सामने हुई है तो दोनों के देखने के बाद मुझे लग रहा है कि बाकी चार भी ऐसी ही रही होंगी। जरूर कठिन रहा होगा कि उसमें से सिलेक्ट करना कौन सी फर्स्ट है, कौन सी सेकंड है, कौन सी थर्ड है, लेकिन जो कि इनका काम है चाहे थोड़ा बहुत अंतर भी निकाला होगा, एक क्रम तो उनको बनाना ही था, न सबको ये फर्स्ट कर सकते थे न सबको ये सेकंड कर सकते थे, तो इनकी मजबूरी थी कि इसको फर्स्ट करें, सेकंड करें, थर्ड करें, लेकिन जो फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आए फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ स्थान पर रह गए हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि उनकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी, वही बहुत अच्छी रही होगी, तो जो भी कोई क्राइटेरिया रहा, लेकिन एक टैलेंट देखने को मिला है कि उभरती हुई हमारी जो युवा पीढ़ी है वो किस प्रकार से सोचती है, कैसे विषयों को करती है। ठीक है कि युग के साथ चीजें बदलती हैं। हम लोगों ने जब 2014 में सबसे पहले शासन व्यवस्था को संभाला था हरियाणा की शासन व्यवस्था को और मुझे मुख्यमंत्री का इस दायित्व के साथ काम अपना शुरू करना पड़ा था, बहुत लोग आश्चर्यचकित थे कि कौन है मनोहर लाल, इसको तो कुछ अनुभव ही नहीं होगा और कैसे आगे कहां कि कैसे चलाएंगे, कैसे संभालेंगे। हमने कहा ठीक है, हमारा अनुभव शायद जिस प्रकार की सत्ता में चीजें चल रही हैं वैसा तो नहीं है, लेकिन अपना अनुभव जरूर है। वो अनुभव वो क्या है कि जनता की कैसे भलाई करना, कैसे उनके वेलफेयर में काम करना, कैसे जनसेवा का एक सिस्टम आगे बढ़ाना और उसके लिए हर प्रकार की जो एक ब्रॉडर आउटलुक वो हमारा हमारे पास है। अब उसके इंटीग्रिटी, उसके सिस्टम कैसे बनाने हैं जो शुरू करेंगे तो सब हो जाएंगे। नवंबर में, 1 नवंबर से 26 अक्टूबर से हमने इस काम को शुरू किया और 25 दिसंबर मात्र यानी समझा जाए कि दो महीने बाद एक हम जो वार्षिक कार्यक्रम करते हैं गुड गवर्नेंस डे, मेरे अस्पताल में बेटा या भाई बीमार है उसका डॉक्टर को बता दीजिए, थाने में एफआईआर है वो सुनता नहीं है, ये कर कितने प्रकार की समस्याएं हैं अनेक। मुझे लगता था इतने लोग यहाँ चल करके आते हैं कि ऐसा सिस्टम नहीं बन सकता कि अपनी बात अपने घर से ही बैठे बैठे उनको बता दे। तो पहला कार्यक्रम शुरू किया था हमने सीएम विंडो और उस सीएम विंडो के कारण से आज भी उसके परिणाम है बहुत अच्छे सुगत परिणाम है। 10 लाख से ऊपर एप्लीकेशन पिछले 8 सालों में प्राप्त हुई है और 90% उनके ऊपर हमारे संबंधित सब अधिकारियों ने जो भी सिस्टम में है उन्होंने उन चीजों को एक प्रकार से सॉल्यूशन दिया है। बहुत ऐसी भी है जो शायद सामने वाले की इच्छा के अनुरूप नहीं हुआ होगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक लॉजिकल एंड तक उस समस्या का हल क्या है उनको बता दिया गया।
एक बहुत बड़ा काम। आज हमारे यहां उस प्रकार की भीड़ लगने वाले लोग नहीं आते हैं। कुछ लोग हमारी आलोचना भी करते हैं कि मुख्यमंत्री का आवास है, पहले तो यहां भीड़ लगी रहती थी, कोई भी नहीं आता है। वो उनके लिए हो सकता है नेगेटिव बात हो, मेरे लिए पॉजिटिव बात है कि मैं लोगों के पास जाऊंगा, लोग मेरे पास क्यों आएंगे। तो गवर्नमेंस का एक मॉडल सोच का विषय है। हमारे शिक्षा मंत्री, उनके साथ मैं जब संगठन मंत्री था 1998 की बात है, रामलाल जी का जो रूम है, मिनिस्टर का बड़ा रूम होता, कैबिनेट मिनिस्टर का तो अच्छा होता, वहां पर जब मैं जाता था तो गेट के अंदर घुसने की जगह नहीं होती थी, पैर रखने की जगह मिलती नहीं थी, क्या थोड़ा भीड़, और उसमें 95% जो अध्यापक होते थे, मेरा ट्रांसफर करा दो जी, मेरा ट्रांसफर करा दो जी, और वो भी कागज लेके रखते रहते थे, किसका होता था किसका नहीं होता था हमको भी मालूम नहीं। लेकिन उस समय मैंने विचार आया कि ये सब लोग क्यों आते हैं, क्या सिस्टम नहीं बन सकता कोई। तो विचार उस समय बना कि ट्रांसफर पॉलिसी ट्रांसपेरेंट बनानी चाहिए। हमने ट्रांसफर पॉलिसी का एक विचार दिया, शिक्षा विभाग के हमारे अधिकारी, उनको बताया ऐसा ऐसा करना है, वो बना के ले आते, हमको प्रश्न देते, हम दो चार नई बातें बता देते, फिर वो बना के लाते, फिर बातें होती। एक हमारे अधिकारी तो शिक्षा विभाग का काम देख रहे थे, घंटा भर के सारी प्रदर्शन के बाद उनका कमेंट ये था कि हम आए तो थे प्रदर्शन देने के लिए, प्रदर्शन लेके जा रहे हैं। तो इस प्रकार के कमेंट भी हमको उस समय सुनने पड़े थे। लेकिन व्यवस्था परिवर्तन का काम लगातार किया है पिछले 8 वर्ष में। अगर उसकी कोई हम डेवल्यूशन करेंगे तो ये शायद कई सौ ऐसे परिवर्तन हुए होंगे 8 साल में। जो नया विषय हमारे ध्यान में आता, जनता की समस्या इसका हल कैसे होगा, कम से कम समय में कैसे समस्या हल हो सकती है, कम से कम खर्च में कैसे हो सकती है, कम से कम उसकी जो एनर्जी उसकी इसमें वेस्ट ना हो, ऐसे काम क्या किए जाए। तो बहुत से ऐसे काम है, गिनाने लगूंगा तो बहुत हो जाएगा। लेकिन विचार क्या था कि समाज को जो उसकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ बेसिक नेसेसिटीज होती है, आवश्यकताएं होती है, सरकार से अपेक्षा होती है, उसमें अगर मैं 5 शब्दों में गिनता हूं तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान, ये 5 ऐसे ऐसे हैं, इसकी अगर चिंता कर ले तो समाज सुखी हो जाएगा। अब इसके अलग अलग आयाम हैं, अलग अलग उसके छोटे छोटे भाग करेंगे तो कई बिंदु बन जाएंगे। शिक्षा बहुत पहले से दी जा रही है, लेकिन शिक्षा में राष्ट्रीयता की कमी, प्रधानमंत्री जी ने नई राष्ट्रीय यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आह्वान 2020 में किया है। शिक्षा में राष्ट्रीयता का भाव आना चाहिए। व्यक्ति शिक्षा से संस्कार क्या लेता है, अभी तक 3R एजुकेशन, रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक, ये अगर हो गया तो शिक्षा पूरी, इससे नहीं होता है। इसमें कुछ ना कुछ भाव भावना उस शिक्षा में से उसकी कुछ यानी सीक्रेट उसके अंदर कुछ ऐसी भावना तो भरी जाए कि उसको माध्यम से ही व्यक्ति का विकास हो जाता था। ओपन मेरिट पर सब चीजें आगे चलती थी। जब मेरी पढ़ाई हुई तो उस समय चाहे मेडिकल कॉलेज है, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज है, चाहे कोई भी टेक्निकल एडमिशन कोर्स, टेक्निकल कोर्स में जाना होता था तो आपके ग्रेजुएशन में कितने नंबर हैं, आपके प्री कॉलेज में कितने नंबर हैं, उसके आधार पर मेरिट से चल पड़ते थे। लेकिन बाद में लगा कि यह सब डिग्रियां, बहुत सी डिग्रियों का वेरिएशन बहुत आ गया। कुछ तो अब हल्के शब्दों में कहो तो शिक्षा की दुकानें खुल गई, ऐसे ऐसी यूनिवर्सिटी, अच्छा ठीक है इतना पैसा भरो डिग्री ले जाओ। इस वजह से फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम शुरू हुए। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे तो किसी एक भी लेवल पर एक उसका जो टैलेंट है वो नाप लिया जाएगा कि एक ही प्रकार के एग्जाम में कौन कहां खड़ा है। इसमें से ध्यान में आया कि डिग्री से काम नहीं चलने वाला, उसका हुनर का विकास, स्किलिंग का कार्यक्रम शुरू हुआ। और आज सारे देश में, दुनिया में स्किलिंग की चर्चा है कि नौजवान स्किल्ड है कि नहीं है, सॉफ्ट स्किलिंग है कि नहीं है, उसको ठीक से बोलना आता कि नहीं आता है। हमने भी हरियाणा में एक यूनिवर्सिटी बनाई और मेरा ख्याल तो यह है कि शायद पहली यूनिवर्सिटी हमारी स्किल यूनिवर्सिटी इन द कंट्री, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट
प्राइवेट सेक्टर्स की तो है, तो उस पर भी हमें आगे बढ़ना है। यहां भी स्किलिंग की चर्चा की गई है। तो स्किल अगर किसी नौजवान के पास है तो शॉर्टकट से कहीं आगे, ऐसा नहीं कि मैं आजादी का कमानी है, चलो कुछ भी मिल जाए, हमारे एक शब्द चलता है हरियाणा में, डीसी रेट पर नौकरी दिलवा दो जी, बस सरकारी नौकरी चाहिए। अभी होड़ है, हम जो नौजवानों को बताते हैं यही होड़ क्यों है, होड़ ये लगाओ कि मुझे कुछ अच्छा करना है, मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे देश के अंदर किसी ना किसी अच्छे काम के लिए कंट्रीब्यूट करना है, देश की अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट करना है। लेकिन ये कब आएगा, जब उसका उस प्रकार का एक आउटलुक बनेगा। तो आउटलुक ऐसे ही बनता है कि हम जो मार्गदर्शक हैं इस प्रकार के समाज में युवकों को दिशा देने वाले, वो अगर आगे बढ़ेंगे तो लोगों की बदलेगी, दिशा बदलेगी। तो दिशा बदलने के लिए, युवकों को तैयार करने के लिए ये इस प्रकार के प्रोग्राम्स, ये कॉम्पिटिशंस, ये करने आवश्यक है। मानस ये बनना चाहिए कि डोंट बी जॉब सीकर बट बी जॉब गिवर। हमें नौकरी चाहिए, ठीक है, नौकरी तो चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन नौकरी चाहने से पहले अगर इच्छा ये हो जाए कि मैं ऐसा काम करूं कि मैं 10 लोगों को नौकरी दे सकूं, तो देखो और लगती। तो ऐसे कुछ काम करेंगे तो इन सब विषयों पर हम अच्छे अच्छे काम कर पाएंगे। हरियाणा ने बहुत नए नए प्रयोग किए हैं। हमने सबसे पहले प्रयोग क्या किया, पहला तो नहीं कह सकते लेकिन जैसे जैसे कर रहे थे, महत्वपूर्ण एक प्रयोग है कि हमारे यहां जनसंख्या, इसका ठीक से जो डाटा है, रियल टाइम डाटा, क्या हम हर व्यक्ति को उसके परिवार के हिसाब से काउंटिंग नहीं कर सकते, डाटा नहीं रख सकते क्या? और बर्थ रजिस्ट्रेशन के माध्यम से हर नया व्यक्ति जब भी उसका जन्म होता है बालक का, उस बालक का उस परिवार के अंदर एडिशन करके उसकी संख्या बढ़ाई नहीं जा सकती। अगर किसी की डेथ होती है तो उस सिस्टम से उसकी एक संख्या उस परिवार में कम नहीं की जा सकती क्या? शादी होती है उसके रजिस्ट्रेशन के बाद उस परिवार का स्ट्रक्चर बदल नहीं सकते क्या? तो ऐसे सारे सिस्टम हमने लागू किए, परिवार पहचान पत्र नाम से एक जो सिस्टम बनाया है, हरियाणा में बना है, सारे देश के राज्य उसको फॉलो कर रहे हैं कि हरियाणा के सिस्टम को समझा जाए। हमने उसको काम करना शुरू किया, आज सफलता मिल रही है। जितने भी सर्विसेज हैं वो सब प्रोएक्टिव होकर के जो डिजर्व करता उस तक पहुंचाई जा रही है। वरना तो स्कीमें तो पहले भी बनती थी, आज भी बनती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और बहुत से बनाते हैं, पब्लिश करते हैं, ये स्कीम बनाई है इन लोगों के लिए बनाई है, लाभ उठाओ जिनके उठाना है, होड़ लगती है। जो पात्र नहीं भी है, जो डिजर्व नहीं करता है, वो भी लाइन में खड़े होकर के, बल्कि सबसे पहले लाभ भी वही उठाता जो डिजर्व नहीं करता। डिजर्विंग व्यक्ति तो, क्योंकि बनाई तो ऐसे लोगों के लिए जो थोड़ा सा जिनकी ताकत कम है, कमजोर है, वीकर सेक्शन के लिए, वीकर सेक्शन में इतनी हिम्मत ही नहीं होती कई बार कि वो आगे बढ़ करके विंडो तक पहुंच जाए और उसका जिस सिस्टम से उसने प्राप्त करनी है वो स्कीम उसको ले पाए। हर्डल्स इतनी है उसने, उस हर्डल्स के बाद वो खड़ा हो जाता कि नहीं नहीं मेरे बस का नहीं है, बढ़ में जाए स्कीम, मैं तो अपना जो कर रहा हूं सो कर रहा हूं, निराश हो जाता। हमने कह दिया कि नहीं, केवल आपके परिवार पहचान पत्र के हिसाब से पहचान लेंगे कि ये परिवार डिजर्व है, ये स्कीम इन्हीं को मिलेगी, इसके अलावा नहीं मिलेगी। और गलत लोग ले भी रहे थे, अपात्र लोग, हमने तो उनको उसमें से बाहर भी कर दिया। लाखों घोष बेनिफिशरीज ये हमने चिन्हित किए हैं, फ्रॉम स्कूल स्टूडेंट्स टू ओल्ड एज पेंशन तक। स्कूल स्टूडेंट में क्या होता था कि लाखों बच्चे ऐसे निकले जो सरकारी स्कूलों में एडमिशन है, प्राइवेट स्कूलों में भी है। संयोग से एक धारणा बनी हुई है कि प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा अच्छी होती है, थोड़ा है भी, फैक्ट भी है ये कि सरकारी स्कूलों से एक लेवल प्राइवेट स्कूलों का थोड़ा अच्छा है, लेकिन सुविधाएं सरकारी स्कूलों में मिलती हैं, तो दोनों जगह एडमिशन कराएंगे, कोई उसकी मॉनिटरिंग तो है नहीं,
वो सरकारी स्कूल से सुविधा लेके आएगा, प्राइवेट स्कूल में फीस भरेगा पढ़ के आएगा, वो फीस इधर से ले जाएगा। हमने सिस्टम बना दिया कि एक लेवल का जो परिवार है, इस आय लेवल तक बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं, वो चाहे सरकारी स्कूल में पढ़े चाहे प्राइवेट स्कूल में पढ़े, प्राइवेट स्कूल की फीस भी सरकार देगी, आपको कहीं गलत काम करने की जरूरत नहीं है। जो सरकारी में पढ़ना चाहे पढ़े, जिसको आसपास प्राइवेट स्कूल एडमिशन देता है और उसकी फिक्स फीस हमने निश्चित कर दी, उसको दे देंगे। तो सिस्टम भी बनाने की बात है ना। अब किसान है, किसान क्या खेती में उन्हें बोया है क्या नहीं बोया है, उसका बीमा कंपनियां हैं, वो उसकी बीमा करते हैं, फसल का क्रॉप का नाम लिखते हैं कि ये क्रॉप बोई है, बैंक वाले जो चाहे उसमें लिख देते हैं, क्योंकि उस फसल के साथ उसको लोन मिलता है, फसल वो लिखवा देता है जिसमें लोन ज्यादा मिलता है। लेकिन जब कोई किसी प्रकार की अकस्मात कोई दुर्घटना हो जाए, उसकी फसल का नुकसान हो जाए, अब जो फसल नुकसान हुई है बीमा उसका हुआ नहीं है, बीमा किसी और का हुआ, उसको कंपनसेशन नहीं मिलता, फिर वो झगड़ा करता है कि मैंने तो गन्ना बोया था यहाँ तो बाजरा लिख दिया, मैंने तो गेहूं बोई थी यहाँ कपास लिख दिया। हालांकि कसूर किसी ना किसी एक का है, दोष चाहे किसान का है चाहे बैंकर का है चाहे किसी बीच में पटवारी तहसीलदार का है, लेकिन ये गड़बड़े रुकने के लिए हमने मेरी फसल मेरा द्वारा बनाया कि हर एकड़ में किसान स्वयं एंट्री करे कि मैंने कौन सी फसल बोई है। और अभी अभी तो हमने एक क्षतिपूर्ति पोर्टल ये बनाया है कि अगर किसी का ओलावृष्टि हो गई, वर्षा ज्यादा हो गई, फसल खराब हो गई, किसान 72 घंटे के अंदर अपने आप जाके एंट्री करे कि मेरी ये फसल खराब हो गई है, और उसको 7 दिन के अंदर अंदर पटवारी कानून को वहां जाकर उसको सर्वे करे, उसका एक बार से जांच करे कि हाँ ये वास्तव में ठीक है, फिर इस बार तहसीलदार को बताया कि 3 दिन में वो जांच करे, उसका पोर्शन जो है उसको दिया है कि वो करे। इतना सब होने के बाद ड्रोन से मैपिंग कराते हैं कि ड्रोन मैपिंग के माध्यम से उसको वेरीफाई करें कि जो इन्होंने लिखा ये ठीक है या गलत है। डीसी को भी कहा, डिप्टी कमिश्नर 3 या 5% वो उसमें वेरीफाई करता है ट्रेंड में। लोगों को सुविधाजनक तरीके से सारी व्यवस्थाएं हो जाए, और जो गलत खराब यानी जो उनका व्यवहार जो है बिहेवियरल चेंज भी करना पड़ेगा कि झूठ बोलेंगे तो नुकसान होगा उसकी हानि होगी, सच बोलेंगे तो लाभ मिलेगा। यानी टेक्नोलॉजी ने बहुत चीजें ऐसी कर दी है कि लोगों को मजबूरन अब सच भी बोलना पड़ता है। पहले सच बोलने में 2 बातें होती थी, तीसरी बात आ गई। 2 क्या होती थी, या तो गॉड फियरिंग व्यक्ति वो सच बोलता है, नहीं नहीं झूठ नहीं बोलूंगा वरना क्या होगा अगले जन्म में जो है मुझे भुगतना पड़ेगा, डर बैठ जाता मन में, कुछ सोचना की कहानियां हमारे बुजुर्गों ने माता पिता दादा दादी ने सुनाई होती है कि बेटा झूठ नहीं बोलना, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो सच बोलने लग जाता है। अगर इस प्रकार से सच नहीं बोलता, दूसरा सच बोलना है क्या, वो झंडा कानून, कानून का डर होता है कि गलत करूंगा तो जेल में जाना पड़ेगा। लेकिन अब वो दोनों बातें भी जो नहीं मानता उसको इसके लिए मानना पड़ता है कि मैं अगर गलत कुछ किया झूठ बोला तो टेक्नोलॉजी पकड़ लेगी और फिर लोगों को पता लग जाएगा, तो लोक लाज से डरता है कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो ये तीसरा फार्मूला है, अब हो सकता है इस तीसरे फार्मूले से भी कुछ लोग बच जाए, कोई और लगाना पड़ेगा चौथा फार्मूला। लेकिन आखिर मनुष्य जीवन में समाज में रह करके हमको अच्छे बन करके अच्छा जीवन कैसे व्यतीत करना, अच्छा नागरिक कैसे बनना है, अगर एक बार यह धारणा कर ली तो फिर समाज आगे ही बढ़ेगा, हर व्यक्ति आगे बढ़ेगा, पीछे नहीं रहेगा। उसके अंदर ये नए नए प्रयोग, नई नई इनोवेटिव ऐसी जो चीजें हैं, और ये जो इनोवेशन है ऐसा नहीं है कि कोई इसी कमरे में बैठ करके बड़ी कुर्सी पर बैठ करके वही सोचते हैं। कोई भी सामान्य व्यक्ति भी, कोई बच्चा भी कई बार नई चीजें सोच लेता है, नई चीजें पता नहीं कहां से निकली। अब न्यूटन है, पेड़ के नीचे बैठा था, सेब गिर गया, नियम बन गया कि चीज जो है धरती की तरफ आती तो क्यों आती है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यही है ना, निकलाया। तो उसने कोई सोचा थोड़ी था कि मैं नीचे बैठूंगा फल गिरेगा और फिर नियम बनेगा। सर बहुत ऐसे इनोवेटिव आइडियाज व्यक्ति को बैठे बैठे सूझ जाते हैं,
उनका उपयोग करना चाहिए कि इसमें से कोई भला हो सकता है क्या। हाँ, कई बार इनोवेटिव आइडियाज के अच्छे के लिए, वेलफेयर के लिए उपयोग करते हैं, कभी कभी डिस्ट्रक्टिव आइडियाज भी आ जाते हैं। एक बड़ा उदाहरण मैं बताऊं तो जो न्यूक्लियर एनर्जी का ये जो इनोवेशन हुई, अब इसके अंदर न्यूक्लियर व्यवस्था एक तरफ तो यह है कि इसका देश और समाज के हित में कैसे उपयोग हो सकता है, इवन न्यूक्लियर पावर इसके भी प्रोजेक्ट्स लग गए हैं। लेकिन वही न्यूक्लियर बम के रूप में काम होता तो नागासाकी जैसे शहर को बर्बाद कर देता है। आज लोग डरते हैं कि कौन कौन से देश ऐसे हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर है, उनके दहशत बन गई है। तो समाज के अंदर सोच की व्यवस्था कैसे बने, सोच अच्छी है तो चीजें अच्छी और बढ़ेंगी, अगर कहीं सोच गलत है, एनर्जी सब में होती है, वो एनर्जी का दुरुपयोग करने के लिए आगे बढ़ जाएगा। तो हमको इन चीजों को जनरलाइज करना है। इसमें हमारी शिक्षा व्यवस्था है, हमारे एनजीओ, हमारी सरकारें और आप जैसे होनहार जो लोग इस प्रकार का एक टैलेंट रखते हैं, इस प्रकार की बुद्धि रखते हैं, वो आगे आएंगे तो आगे लगेंगे, काम आएंगे। मैं आज के अवसर पर जो भी टीमें आई हैं 6-6 संस्थानों की, उन सब टीमों को बहुत बहुत अपनी ओर से बधाई देता हूं, शुभकामना करता हूं और आशा करता हूं आगे भी इस काम को, ये जो हमारे नए गवर्नेंस के जो भी मॉडल है, इस प्रकार के कंपिटिशन अपने इस प्रदेश में हरियाणा में आपने किया, ऐसे और प्रदेशों में भी करते रहे, यहां भी इनका उपयोग हरियाणा में बेस्ट प्रैक्टिसेस के नाते, बाहर से अगर कुछ आप लाकर हमको बताएंगे तो हम उसको भी खुले मन से स्वीकार करेंगे। और मैं अंत में सभी आयोजकों का बहुत धन्यवाद करता हूं, हमारे जूरी मेंबर्स का। जूरी मेंबर्स ने लगता है कोई अप्रोच भी की है समग्र के लोगों को, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का नाम टीजी चंद्रा है। क्योंकि हमारे एक जूरी मेंबर, मैं देख रहा था कि ये टीसीजी है, ये टीजीसी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।